चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो एसएफटी बीएमडी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रॉब्लम में आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहले आप ड्रा करेंगे एसएफडी, ठीक है। एसएफडी ड्रा करने के लिए आपको एसएफडी और बीएमडी ड्रा करने का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उससे सबसे पहले जब ड्रा करेंगे तो उसके लिए आपको रिएक्शन की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले ये डॉटेड लाइन कर दूं, बीम के बराबर ही एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सब खींच दे रहे हैं पहले ही, फिर बनाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं प्रॉब्लम वन बाय वन, ठीक। ठीक, ये हमारा एसएफडी के लिए हो जाएगा। और दूसरा हमारा ये बीएमडी के लिए हो जाएगा। ये हमारा रहेगा एसएफडी और ये हमारा रहेगा बीएमडी का डायग्राम। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ मिलेगा रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन आपको रोलर है, मान लिया ये आर सी है, ठीक
यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिलेगा, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू जीरो होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई है नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ या बना दे रहा हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट जीरो लिख दे रहा हूँ, इससे पहले में कोई है नहीं। तो ये ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रा कर दिया। अब आप एक अप्लाई करिए इक्विलिब्रियम कंडीशन, किसमें वाई एक्सिस में, तो क्या होगा देखिए। आर ए प्लस आर सी इक्वल जीरो, क्योंकि डाउनवर्ड कोई फोर्स तो है नहीं। ठीक, मोमेंट अगर ए के अबाउट, हमेशा आपको बताया हूँ मोमेंट हमेशा अननोन पॉइंट पे लेना चाहिए, तो ए के रिस्पेक्ट में लेंगे तो इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो अगर हम ए के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये का तो जीरो हो गया, ये आपको क्लॉकवाइज मोमेंट मिलेगा 30, और ये रहा आपका आर सी मल्टीप्लाई कितनी दूरी पे है 4, तो आर सी की वैल्यू मिलेगा आपको देखिए 30 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 4.5 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू यहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में तो हमें मिलेगा माइनस 7.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिलेगा। चलिए अब ड्रा करते हैं हम लोग SFD। तो ये आर ए की वैल्यू डाउनवर्ड है, कोई बात नहीं, हम डाउनवर्ड चलेंगे, कितना हम कितना डाउनवर्ड चलेंगे 7.5। फिर ए से बी के बीच में मैं वो लिख नहीं रहा हूं, अब डायरेक्ट मैं आपको बना रहा हूं। ठीक है, 7.5 कोई फोर्स नहीं है, फिर बी पे चलेंगे वहां पे भी कोई फोर्स नहीं, फिर ये वैल्यू एक्सटेंड करेगा सी तक, और सी पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये हमारा सी पे, तो ये हमारा SFD आया। ये हमारा SFD बनेगा। ठीक है, ये हमारा SFD है, कितना ये है माइनस 7.5 और ये जीरो जीरो। ठीक है, 7.5 है। अब कहाँ चलेंगे, BMD। BMD ड्रा करने के लिए देखिए, अब इस पॉइंट पे A के अबाउट तो मोमेंट जीरो, B पे आएंगे तो B के लिए इसका कितना है माइनस 7.5 और ये 2, कितना आएगा 15, 15 इसका क्या जाएगा इंक्लाइंड लाइन जाएगा, B पे माइनस है तो इसलिए माइनस है 15। फिर यहाँ पे देखिए क्लॉक वाइज मोमेंट लगा, मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइन एंटी क्लॉक वाइज होगा तो डाउनवर्ड एड होगा, और क्लॉक वाइज होगा तो वर्टिकल होगा, कितना आएगा प्लस 15। फिर ये एंड एरिया माइनस में निगेटिव होगा जीरो तक, तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है 15, तो हमारा जो वैल्यू आएगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम ये आएगा 15 किलो न्यूटन मीटर। नोट करिए, डायग्राम से ही ड्रा करवा रहा हूं, ये आपको पूछेगा MCQ में। ठीक है, चलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ठीक, अगला प्रॉब्लम पे आइए।
अगले एमसीक्यू में आइए। हाँ एमसीक्यू में चलिए प्रॉब्लम ठीक है। रोलर सपोर्ट है, ठीक। ये आपका रोलर सपोर्ट है इस बीम पे। अब आपका यूडीएल लगा है, यूडीएल मान लीजिए 10 किलो न्यूटन मीटर का है और दोनों एंड पे आपका सपोज करिए पॉइंट लोड लगा है। ठीक, ये मान लीजिए आपका ये आपके सपोर्ट है, ये सपोज करिए 20 किलो न्यूटन है और ये भी 20 किलो न्यूटन है। आपको SFD BMD ड्रा करना बता रहा हूँ, तो हर चीज आप ड्रा करके नहीं, अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो न्यूमेरिकल लगाते क्लास में अटेंड करते करते, क्योंकि आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट मेथड ही बताऊंगा। सारे डॉटेड लाइन ड्रा कर दूं, फिर आते हैं टॉपिक पे। रेफरेंस लाइन को भी जो फिगर हमें अलग अलग दिखे। चलिए ये प्रॉब्लम है, अब आपसे कहा जाए इसका SFD BMD ड्रा करिए, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका यहाँ पे रिएक्शन होगा वर्टिकल।
ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन होगा और इस पॉइंट पे भी आपको वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा क्योंकि रोलर सपोर्ट है। चलिए चलो मैं इसका नामकरण कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई और एफ। डिस्टेंस आपको ये मान लीजिए 2 मीटर है। आपको प्रैक्टिस केवल जानना है, 1 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर और ये आपका 2 मीटर। तो सबसे पहले आप देखिए ये इसको किस में कन्वर्ट करेंगे। आपको बताया जा चुका है जब भी आप यूडीएल लिखेंगे तो कन्वर्ट करेंगे किस में, पॉइंट लोड में। तो इसका एरिया निकालिए, 4 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे 40 किलो न्यूटन। और कहाँ पे लगेगा, मिड पे 2 मीटर और इधर आपका 2 मीटर। इतना क्लियर हुआ? अब चलिए सोल्यूशन करिए। तो जब सोल्यूशन कर लिखेंगे तो हमारा क्या है, इसको मान लीजिए आर बी और ये आर ई। तो आर बी प्लस आर ई इक्वल क्या होगा, 20 20 कितना, 40, और 40 40 80। दूसरा अगर हम इस बी के अबाउट मोमेंट लें तो क्या होगा, होगा 40 मल्टीप्लाई 3, यहां से 40 डिस्टेंस 3 है, प्लस ये 20 मल्टीप्लाई 2, 3 3 4, 7 7 और एक 8। 20 मल्टीप्लाई 8 इक्वल कितना हो जाएगा, आर ई कितनी दूरी पे होगा, 6, प्लस 20 मल्टीप्लाई 2, तो ये 40 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 120, और 8 का मल्टीप्लाई होगा 20 में 160, और इसका जब 20 का मल्टीप्लाई होगा तो -40 कितना हो जाएगा, 120 120, 240 240 बाई 6, ये आएगा हमारा 40। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये भी वैल्यू हमारा 40 आएगा। ध्यान दीजिए जब इसमें ये 40 वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा। अब चलिए ड्रा करिए एस एफ डी। तो ये हमारा डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड, फिर नो लोड है, स्ट्रेट जाएगा, फिर कितना ऊपर जाएगा, 20, फिर नो लोड है, फिर 40 डाउनवर्ड आएगा, फिर नो लोड है, ये 20 फिर ये ऊपर जाएगा 40, फिर नो लोड है। तो आपको ये बनाने आना चाहिए, फिर ये 20। देखो पहले कितना हम नीचे आए हैं, 20 माइनस में, फिर यहां तक, फिर कितना इफोर्ट वैल्यू थी, +20, फिर ये +20, फिर ये डाउनवर्ड हुआ तो -20, फिर यहाँ 20, फिर ये प्लस ऊपर गया +20, और ये +20 गया था, डाउनलोड हुआ 0। तो ये हमारा मिला, ये हमारा सिमिलर है तो ये 2 होगा, तो ये भी 2 होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा देखिए, बीएमडी क्या होगा, बीएमडी अगर ड्रा करना तो यहाँ 0, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो -20, 40 आएगा, स्ट्रेट आएगा। 1 मिनट, स्ट्रेट ये कितनी वैल्यू है इसकी, -40, फिर यहाँ पे कुछ है तो नहीं,
फिर यहाँ पे 40 और 1, तो ये कितना होगा, 0। सी पे चलेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये अपवर्ड हो, 1 मिनट, इस लाइन को हमें जो ये क्रॉस कर रहा है ये, ठीक है, ये कितना होगा, इसका एरिया 2 और 20, 20 आएगा, पैराबोला बनेगा। फिर इसका भी एरिया डाउनवर्ड होगा, पैराबोला बनेगा। फिर ये एरिया कितना होगा, 20 डाउनवर्ड होगा। फिर इसका कितना होगा, 22, 40, कहीं हल्का, अरे 1 मिनट, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, 22, ठीक, कुछ ये बनेगा, कुछ इस टाइप का फिगर होगा। कैलकुलेशन देख लीजिए। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर पूछे तो आप, अगर ओवरहैंगिंग है तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफेक्चर, देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो आपसे पूछ सकता है किस पॉइंट पे आपका बीम नेचर चेंज कर रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक, बीम अपना नेचर बेंडिंग मोमेंट या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफेक्चर कहाँ कहाँ लाई करेगा, और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को एंड करते हैं।